हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म व्यूज। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। के बाद अच्छी धनराशि बना के दे सके और प्रत्येक स्टॉक में करीब करीब 50,000 का निवेश आप करें। 50,000 रुपए मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, बहुत लोगों के लिए हो सकती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं। परंतु 50,000 एक स्टॉक में निवेश करना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा और इसी अमाउंट से एक बड़ी अमाउंट आपको बन जाएगी एक लंबी अवधि में। और लगा के भूल जाइए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। समझिए कि आपको आपके कहीं पैसे खो गए, आप गिर गए या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, आपने किसी को दिया था वो मिल ही नहीं रहे 1,00,000 रुपए। ये जो भारतवर्ष का हमने मानचित्र लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। ये भारत आज लॉट ऑफ पीपल 2021 से बदल रहा है, इसके पीछे कहानी है। मैंने जो मार्च में एक वीडियो बनाया था कि सेंसेक्स हमारा 1,00,000 बदलाव होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लस पावर। भारत को क्या चाहिए? एनर्जी। आज के समय में बिजली हर कामों में इस्तेमाल होती है। जो नेक्स्ट फ्यूल बनने जा रहा है दैट इज द पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि सबके पास मोस्टली देखिए, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, किसी के पास स्कूटर है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल रखेगा ही रखेगा आने वाले समय में। और सरकार जो भी वर्तमान है वो कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्पित है कि भारतवर्ष में 2025-2030 तक टू व्हीलर और फोर व्हीलर ये इलेक्ट्रिक हो जाने चाहिए। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, टाटा की नेक्सॉन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखने लगी होगी। मुझे लगता है कि भारतवर्ष का एक टेस्ला कंपनी बनने जा रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने जा रही है टाटा मोटर्स। तो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स और दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर अगर देखें जिस प्रकार से सौर ऊर्जा में फोकस्ड हो चुकी है ताकि बहुत ज्यादा विद्युत उत्पादन किया जा सके और सस्ते भाव में दिया जा सके, प्लस चार्जिंग स्टेशन जो जिस प्रकार से लगा रही है, खासकर इनकी भी गाड़ियां हैं और बाकी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्ट हो गए पूरे भारतवर्ष में, तो मुझे लगता है कि टाटा पावर और टाटा मोटर्स ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ज्यादा आने वाले समय में भागने वाले हैं, आपको अच्छा खासा पैसा बना के देंगे। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास TCS है, इनके पास टाटा एलेक्सी है जो प्रोटोटाइप बना के किसी भी चीज को इंडस्ट्री को डेवलप करती है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है इनके पास। टाटा केमिकल है जिसके पास बैटरी सेक्टर के लिए जो आयन बैटरीज होती है उसका निर्माण कर सके। टाटा एक ऐसा बड़ा ग्रुप है, तो आपको ऐसे ग्रुप की कंपनी बता रहा हूँ जिसमें कभी भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वजह के अब एग्जांपल देते हैं, क्या गारंटी है। दरअसल आज से 20 साल पहले आप किसी कंपनी पे अगर निगाह डालेंगे, एक कंपनी है आयशर मोटर। आयशर मोटर को लोग मिसालें देते हैं, लोग कहते हैं कि अगर बुलेट के बजाय रॉयल फील्ड खरीदने के बजाय अगर आपने उतना ही पैसा आयशर मोटर में डाले होते तो आपके पास कितना पैसा होता है मालूम है? 20 साल से उसने जो है 44,000% रिटर्न दिए हैं। रॉयल एनफील्ड इतनी डिमांडेबल थी, ट्रक बसेस भी बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा रॉयल एनफील्ड एक शान और शौकत वाली गाड़ी मानी जाती है। तो 44,000% रिटर्न का मतलब अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाए हैं तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए बन चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें जो आज का समय, अब पहले की बात जाने दीजिए, आज का जो समय जो फ्यूचर हम देख सकते हैं, तो एक ऐसे टॉप के ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं, वो है टाटा मोटर्स, टाटा पावर। दो स्टॉक्स ही काफी हैं आपको अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए। चार्जिंग स्टेशन, इसके पीछे टाटा पावर खुद विद्युत का निर्माण करती है, तो एक तरफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी तरफ चार्जिंग स्टेशन से दे रही है, एक तरीके का फ्यूल है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, मुझे लगता है मारुति सुजुकी जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर था भारतवर्ष में, लीडर थी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मुझे लगता है टाटा बन जाएगा। इस वजह से ये दो कंपनियों का मैंने चुनाव किया है। बड़ी बड़ी संस्थाएं निवेश के लिए व्याकुल हैं ऐसी कंपनियों में। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में TPG ग्रुप ने जो है 7,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, जो कि करीब करीब देखा जाए तो ऑलमोस्ट टाई अप हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट का, क्योंकि वो देख रहे हैं, जो भी निवेशक वो देख रहे हैं कि भारतवर्ष में टोटली जो है परिवर्तन हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लोग खरीदने लगेंगे क्योंकि लोग पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है करके परेशान हो चुके हैं।
और मुझे लगता है कि सरकार का भी कहीं ना कहीं इंटेंशन है पेट्रोल महंगा रखो ताकि लोग मजबूरन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़े। भले चाहे महंगी गाड़ियां खरीद लें लेकिन